नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है। यहाँ देख सकते हैं कि डीजे श्रीकर ने कमेंट किया है कि गंगा कार्ड साइज कैसे देते हैं। तो डीजे श्रीकर जी ने बहुत बार कमेंट किया है कि गंगा कार्ड कैसे बनाएं, गंगा कार्ड का साइज कैसे देते हैं। तो आप बहुत बार कमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए आज मैं आपका रिक्वेस्ट का ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हूँ कि गंगा कार्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, साइज कैसे देते हैं। तो सबसे पहले डीजे श्रीकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गंगा कार्ड हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर मैंने एक गंगा कार्ड बनाया है। और यहाँ पे देखिए, गंगा कार्ड को ही हम लोग गंगा लाभ कार्ड बोलते हैं, श्राद्ध कार्ड बोलते हैं। और गंगा कार्ड जनरली तब दिया जाता है जब किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, कोई गुजर जाता है। तो ये इस गंगा कार्ड में ज़्यादातर डिज़ाइन तो कुछ ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि ये खुशी का माहौल तो रहता नहीं है। तो इसीलिए सिंपल सा कार्ड रहता है जिसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये जो गंगा कार्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैटर है वो है टेक्स्ट मैटर, कि गंगा कार्ड में हमें क्या लिखना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पहले इस गंगा कार्ड को आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ओम शांति लिखा हुआ है, फिर लिखा है गंगा लाभ लिखा हुआ है, प्लस यहाँ लिखा है महाशय हम अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि गत दिनांक 21/12/2019 शनिवार सुबह 8:30 में हमारी माता जी स्वर्गीय ममता देवी राम नाम लेते हुए स्वर्गवास हो गई। अतः उनके मृत आत्मा की शांति सदगति हेतु निम्नलिखित समय में आप सब परिवार पधार कर शोकाकुल परिवार को सांत्वना देकर हमें कृतज्ञ करें। उसके बाद जो मैटर रहता है श्राद्ध का, जो कार्यक्रम रहता है वो यहाँ पे डेट दिया हुआ देख सकते हैं, दस कर्म, उसके बाद एकादशा, जो भी कार्यक्रम जो रहता है वो यहाँ पे डिटेल्स डेट के वाइज दिया हुआ रहता है। वो दिनांक 1/1/2020 को ब्रह्म भोज एवं सामाजिक भोज समय दिया हुआ रहता है। स्थान जिस जगह से आप बिलोंग, जो भी जिसका स्थान दिया जाता है, एड्रेस दिया रहता है, प्लस दिनांक इतना बृहस्पति पीपल जल लिखा हुआ रहता है, प्लस मोबाइल नंबर रहता है। प्लग यहाँ पे जो इस जिनका गुजर जाता है उसको, तो उसको वो तो भाग्यहीन ही है, तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह का गंगा कार्ड कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हिंदी का जो मैटर है ये मैंने कैसे लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं हिंदी लिखने के लिए हमेशा एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है लीप ऑफिस 2000। देखिए, इसमें हिंदी लिखना बहुत आसान है, सिर्फ हिंदी ही नहीं अदर्स लैंग्वेज भी इसमें सपोर्ट करता है, जैसे लैंग्वेज में आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, देखिए तमाम जो भी रीजनल लैंग्वेज इसमें सपोर्ट करता है। और दूसरी बात ये है कि इस सॉफ्टवेयर से आप हिंदी, इंग्लिश, बंगला जो भी आप लिख कर किसी भी सॉफ्टवेयर में आप ले जाते हैं तो वहाँ पर ये सपोर्ट भी करता है। तो इसमें जो फॉन्ट यूज़ किया है वो DVTT सुरेख यूज़ किया है। हिंदी देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड भी शो कर रहा है, तो सिंपली आपको क्लिक करना है, टाइप हो जाएगा। जिससे टाइपिंग नहीं भी मालूम वो भी लिख सकता है, टाइप कर सकता है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो करने के लिए सबसे पहले ये जो कार्ड आपको, आप लोगों को मैंने दिखा दिया, अब इसको राइट क्लिक करके मैं थोड़ा सा फिट इन विंडो कर देता हूँ। और ये जो कार्ड है इसको थोड़ा सा मैं साइड में रख देता हूँ, ये लॉक किया हुआ है। एलिमेंट में जाते हैं, इसे अनलॉक कर देते हैं पहले। ये देखिए, मैंने इसे अनलॉक कर देता हूँ, ये देखिए, लेकिन कार्ड यहाँ से यहाँ मूव कर जा रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप कर दिया मैंने, एलिमेंट में जाते हैं, यहाँ से मैंने इसे ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करके इसको थोड़ा साइड में रख देता हूँ। अब देखिए, मैंने चौड़ा पेज में मैंने ये डिज़ाइन बनाया था, गंगा कार्ड बनाया था। तो सबसे पहले पेज जो लेना है वो फाइल में जाना है आपको, उसके बाद न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके बाद पेज साइज जो भी आप जिसमें निकालना चाहते हैं, लेटर हो चाहे A4 जो भी लेना है ले लेना है, उसके बाद वाइड चौड़ा में निकालना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। करने के बाद तो इस तरह का पेज उभर कर आ जाएगा। अब जो साइज आपको लेना है वो मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा। यह हैंड टूल पे क्लिक करके थोड़ा सा पेज जब ले लेंगे, पेज ऐसा आ जाएगा, चौड़ा आ जाएगा पेज। आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और ये जो टूल आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक करना है। नॉर्मल से इस तरह का एक बॉक्स आपको इस तरह ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, मैंने एक बॉक्स इस तरह ड्रॉ कर दिया। अब ये जो साइज होना चाहिए, एक पर्टिकुलर साइज होता है, तो इसका मैं जो साइज यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है मैंने, उसका जो साइज मैंने ले रखा है वो है आपका 6 है चौड़ाई और इसका हाइट है 4 है।
तो 4-6 का साई लिया, 6-4 का साई लिया है। तो साई लेने के लिए जो कंट्रोल पैलेट आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स जो भी आप ड्रॉ किए हुए सिलेक्टेड रहेगा, अगर नहीं सिलेक्टेड है तो पिक टूल पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो कंट्रोल पैलेट है, यहाँ पे W है चौड़ाई के लिए, और यहाँ पे इंचेस में साइज दिया हुआ, IN का मतलब इंचेस, आपको यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ पे 6 टाइप कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो ऑटोमेटिकली देखिएगा ये इस तरह का चौड़ाई 6 का हो जाएगा। और हाइट जो है, 8 जो लिखा हुआ हाइट है, ये वाला हाइट है। हाइट के लिए क्या करना है, 4 ले लेना है। यहाँ से मैं 4 का ले लेता हूँ, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है साइज का अंतर। ये इंटर पे प्रेस कर दिया मैंने, इंटर प्रेस कर दिया। करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको बीचों बीच ला के इस तरह रख देना है। ये तो बन गया साइज, देखिए 6 इसका चौड़ाई हो गया, 4 यहाँ पे देखिए इसका हाइट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आउटलाइन, अगर आपको डिज़ाइन करना है आउटलाइन, ज़्यादा डिज़ाइन तो रहता नहीं है क्योंकि ये कोई खुशी का माहौल तो रहता नहीं है, तो डिज़ाइन इसका आउटलाइन के लिए एलिमेंट में जाइए, स्ट्रोक में जाइए, और यहाँ से देखिए स्ट्रोक है, एक स्ट्रोक आप यहाँ से ले सकते हैं। लेने के बाद आप एलिमेंट में जाइए, उसके बाद लॉक पोजीशन कर दीजिए। लॉक पोजीशन कर देने से क्या होगा, ये जो साई ले रखा है आपने, ये मूव नहीं करेगा, देखिए मूव नहीं करेगा। अब इस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद एक्चुअल साइज आपको कर देना है। एक्चुअल साइज करने से क्या क्या होगा, ये पेज थोड़ा सा इस तरह एक्चुअल साइज बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली टाइप कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ कीजिए। अब उस मैटर को लेकर आएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओम शांति गंगा लाभ लिखा हुआ है। तो पहले सबसे पहले ऊपर वाला मैटर यहाँ पे लेकर आएंगे। तो मैटर लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लीप ऑफिस में जाएंगे। लीप ऑफिस में जाने जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको जो मैटर चाहिए पूरा का पूरा मैटर आपको टाइप कर लेना होगा। तो यहाँ से जो ओम शांति लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ ले जाने का भी थोड़ा टेक्निक अलग है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा। करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये कॉपी हो गया। फॉन्ट याद रखिएगा, यहाँ पे DVTT सुरेख लिखा हुआ है। उसके बाद इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, उसके बाद एडिट में जाके यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा तो टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट करके यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दीजिएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ओम शांति आ गया, इसका थोड़ा सा ये है टेक्स्ट ब्लॉक है, इसको यहाँ पर आपको ला के बीचों बीच ला के रख देना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर ओम शांति ला के यहाँ पर रख दिया, ये ओम शांति वाला मैटर तो यहाँ पर आ गया। अब है दूसरा वाला मैटर, फिर उसी तरह आपको क्या करना है, अगेन लीप ऑफिस में जाना, एक साथ भी आप ले जा सकते हैं, यहाँ पे भी सजा के इसको एडजस्ट करके यहाँ से भी डायरेक्टली ले जा सकते हैं। तो मैं सिंपल वे में ले जा रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ से गंगा लाभ। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया, इसको मिनिमाइज़ कर दिया। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एडिट में जाना है, उसके बाद पेस्ट कर देना है। ये देखिए गंगा लाभ भी आ गया, लेकिन गंगा लाभ जो लिखा हुआ है थोड़ा सा इसको ठीक करना होगा, थोड़ा सा इसको मोटा करना होगा, चौड़ा करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और गंगा लाभ को इस तरह सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, बोल्ड कर देना है। बोल्ड कर दिया मैंने, देख सकते हैं थोड़ा बड़ा हो गया, देख सकते बोल्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर दो आपको ये वाला एक साइन दे देना है, आपको यहाँ से यहाँ पे साइन लगा देना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, जैसे ये दो लकीर आपको दिख रहा है, देख लीजिए ये दो लकीर आपको दिख रहा होगा इस तरह। तो ये वाला लकीर आपको जो मिलेगा इंटर की जो है उसके ऊपर है, शिफ्ट दबा के आप क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। तो कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए, और ये मैं शिफ्ट दबा के दो बार लाइन ले लिया। उसके बाद इसे थोड़ा सेलेक्ट करके मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और साइज भी थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए बड़ा हो गया। अब इसको ला के मैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लगा दूँगा इस जगह पर, यहाँ पे लगा दी। अभी एक इधर चाहिए, एक इधर भी चाहिए, डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा डिज़ाइन भी करना थोड़ा सा ठीक है। उसके एडिट में जाइए, कॉपी कीजिए, उसके बाद पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया, अब इसको इस साइड में लगा देते हैं। जैसे ये वाला देखिए मैंने लगाया यहाँ पे, ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया। यहाँ तक का तो मैटर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए जो महाशय, हम पूरा का जो मैटर टेक्स्ट जो पूरा इम्पोर्टेंट मैटर है वो हमें लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम लोग लीप ऑफिस में जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं लीप ऑफिस में हम लोग आ गए हैं। अब ये जो पूरा का पूरा जो महाशय हम आते हैं दुख के साथ, जो पूरा का पूरा जो मैटर है वो वाला, हम लोग मैटर को क्या करेंगे, अच्छी तरह से यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। ये मैं यहाँ से देखिए इसको मैं यहाँ से पूरा का पूरा इस सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है। याद रखिएगा कॉपी करना है। देखिए बीच में यहाँ पर देखिए इंग्लिश जो डेट है इंग्लिश में लिखा हुआ, टाइम भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, लीप ऑफिस को मिनिमाइज कर देना है, ये मैंने मिनिमाइज कर दिया। उसके बाद आपको ये जो टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक करना है, और एक इस तरह का कहीं भी आप कार्ड से बाहर भी आप इस तरह का पहले टेक्स्ट ब्लॉक इस तरह बना लेते हैं।
ये मैंने टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया, देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ब्लॉक बना लिया, लेकिन कर्सर बीच में आ गया, वो क्यों आ रहा है? ए टाइप में जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट में जाते हैं, उसके बाद लेफ्ट अलाइनमेंट क्लिक कर दिया, ठीक, यहाँ से जिस जगह से मैंने टेक्स्ट ब्लॉक बनाया था वहाँ पर कर्सर आ गया। अब कर्सर लाने के बाद हमें एडिट में जाना है, उसके बाद पेस्ट नहीं करना है, सिंपली आपको पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर देना है, पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पे पेस्ट वाला रेडियो बटन ऑन रखना है और ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है एज वाला बॉक्स, आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। तो टेक्स्ट सिलेक्ट कर देने से क्या होगा, जैसा वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ सेम टू सेम टेक्स्ट यहाँ पे देखिए आ जाएगा, ओके कर देना। ये मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन देखिए कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, देखिए वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर फॉन्ट पे गौर करेंगे हम लोग तो देखिए टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, लेकिन ये तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट नहीं है, ये हिंदी वाला फॉन्ट है DVTT सुरेख। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको पूरा का पूरा इस टेक्स्ट को हम लोग इस तरह का सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा मैंने टेक्स्ट को ये सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट कर देने के बाद आपको ये जो कंट्रोल प्लेट का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में आना है और DV लिख देना है, जैसे मैंने DV लिख दिया जो फॉन्ट लीप ऑफिस में सपोर्ट करता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको डाउन बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और DVTT सुरेख हमें सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे DVTT सुरेख मैंने सिलेक्ट किया है, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर वो लिखा हुआ मैटर यहाँ पर आ गया, लेकिन देखिए ये सजा हुआ भी नहीं है। तो इसको सजाने के लिए क्या करेंगे, अब जैसे हमारी यहाँ माता जी यहाँ से नीचे से मैटर को हमको नीचे ले जाना है, तो यहाँ पे जैसे हमारे माता जी देखिए नीचे वाला लाइन यहाँ से माता जी से शुरू हो रहा है, तो माता जी पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक यहाँ पे क्लिक करूँगा एकदम आगे में आके इसको ला के क्लिक कर देना है, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। अब मैटर मेरे देखिए नीचे आ गया, अब थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये देखिए स्पेस बार प्रेस किया मैंने यहाँ से, इसको अगर चाहे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ तक आ गया। अतः को क्या करना है, थोड़ा सा हमको इधर ले जाना है, अतः पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, हम पे चले जाते हैं, ये देखिए हमसे स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से देख सकते हैं हमसे स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये देखिए हमसे अतः यहाँ से भी आप ले जा सकते हैं, यहाँ पर रख दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा साइज इसका हम लोग बड़ा कर देते हैं, ये सिलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको कर देते हैं 14 कर दिया मैंने, देखिए साइज ठीक हो गया। उसके बाद इसको क्या करना है, क्लिक करके इसको ठीक यहाँ पे लाके हमें यहाँ पे बैठा देना है, ये देखिए मैं यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, एडजस्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको एक्चुअल साइज और भी थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, हम राइट क्लिक किया यहाँ पर, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर 200% कर देते हैं, 200% देखिए यहाँ तक आ गया, ये देखिए ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए महासे वाला मैटर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, देखिए ध्यान से महासे थोड़ा सा ठीक कटा कटा लग रहा है, इसको ठीक करेंगे क्या करेंगे हम लोग, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मिटा भी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो यहाँ से अभी से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दिया मैंने। और फिर से लीप ऑफिस में हम लोग जाते हैं, वापस लीप ऑफिस में जाते हैं तो अच्छी तरह से महासे को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसका साइज में 14 ठीक है। अब यहाँ से राइट क्लिक करके इसे हम लोग कॉपी करते हैं, ये मैंने कॉपी कर दिया है और इसको मिनिमाइज़ यहाँ पे थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, या तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप या तो डायरेक्टली आप यहाँ से एडिट में जाके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट स्पेशल पे जाइए, टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ओके कर देते हैं, ये देखिए आप देखिए, ये देखिए वहाँ से देखिए सही हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है, तो देखिए हम अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि गत दिनांक ये 21/12/19 है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में करना है, ये तो हिंदी में, ये भी देखिए ये जनरली क्या होता है डेट और जो टाइम रहता है वो लोगों को हिंदी बहुतों को नहीं समझ में आता है, अगर हिंदी रखना है तो ठीक है, अगर इंग्लिश करना है तो क्या करेंगे, ये तो हिंदी में है तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, इस टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर दिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंट्रोल पैड का जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी इंग्लिश फॉन्ट है, जैसे एरियल फॉन्ट है ARIAL एरियल सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस कर देते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया, लेकिन साइज़ देखिए देखिए इंग्लिश में चेंज हो गया, लेकिन साइज़ देखिए बहुत बड़ा हो गया, तो साइज़ इसका चेंज कर देते हैं हम लोग इसको यहाँ से, क्योंकि ये वो इंग्लिश का फॉन्ट है, यहाँ से थोड़ा कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 10 देखिए 10 ठीक है, यहाँ पे सही है 10, और भी कम करना है कर सकते हैं। अब यहाँ पे 8:30 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर देंगे, एरियल कर देते हैं, ARIAL एरियल लिखा, इंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गया टाइम। अब यहाँ से फॉन्ट हम लोग चेंज कर देते हैं, फॉन्ट नहीं सॉरी साइज़ थोड़ा सा इसको भी 10 कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ये हो गया, यहाँ तक देख लीजिए मैटर यहाँ तक पूरा का पूरा अच्छे तरह से ये बैठ गया, देख सकते हैं आप। अब देखिए आगे पीछे इसको करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको पढ़ के मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, वहाँ से हम अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि गत दिनांक 21/12/19 शनिवार सुबह 8:30 मिनट में हमारी माता स्वर्गीय ममता ममता देवी
राम नाम लेते हुए स्वर्गवास हो गई। अतः उनके मृत आत्मा की शांति सदगति हेतु निम्नलिखित समय में आप सपरिवार पधार कर शोकाकुल परिवार को सांत्वना देकर हमें कृतज्ञ करें। बस हो गया थोड़ा सा, अगर इसको थोड़ा सा और इधर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ बॉर्डर से थोड़ा बाहर चला गया, तो यहाँ तक का मैटर तो हो गया। इसको आप चाहे तो ऊपर भी ले जा सकते हैं, ये देखिए ऊपर भी चला गया, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। ये ऊपर आप पिक टूल पे क्लिक करके इसको आप मूव कर सकते हैं ऊपर। ये एडजस्ट देखिए यहाँ तक एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको थोड़ा एक्चुअल साइज कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ तक बन गया मेरा, यहाँ तक का कार्ड तैयार हो गया। अब थोड़ा सा दोबारा फिर से हम लोग अपने पुराने कार्ड में चले जाते हैं। अब यहाँ देखिए श्राद्ध आदि कार्यक्रम लिखा हुआ, दिनांक यहाँ पे डेट दिया हुआ, ये वाला लाएंगे मैटर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम लग रहा होगा। ये देखिए कर दिया। अब उसको लाने के लिए क्या करेंगे, अगेन लीप ऑफिस में हम लोग जाते हैं। लीप ऑफिस में गया मैं, ये देखिए कार्यक्रम यहाँ दिया हुआ देख सकते हैं। ये वाला सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से कार्यक्रम को, यहाँ से इसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको छोटा भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर देते हैं, कॉपी करके इसको मिनिमाइज़ किया। अगर ये मैटर में प्रॉब्लम नहीं है तो एडिट में जाकर सिंपली आप पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आ गया मैटर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट ब्लॉक देखिए छोटा हो, इसको यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। ये हो गया, यहाँ पे फिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिनांक जो 30/12/19 ये जो सोमवार लिखा हुआ है, जो मैटर लिखा हुआ है, ये हम लोग लेकर आते हैं। इसको भी लाने के लिए क्या करेंगे, लीप ऑफिस में जाते हैं। अब एक एक करके लाएंगे, कभी कभी क्या होता है एक साथ लेकर आइएगा तो इस तरह का मैटर प्रॉब्लम कर सकता है। तो बेस्ट यही है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह यहाँ से। ये मैं सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैं 10 कर देता हूँ, यहाँ बोल्ड था इसको नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी किया मैंने, और लीप ऑफिस में वापस आते हैं। आने के बाद एडिट में जाके यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। पेस्ट हो गया, देखिए यहाँ ऊपर आ गया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। इसका मैटर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं टेक्स्ट ब्लॉक को, ये देखिए यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, राइट क्लिक करके इसको 200% कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखिए। अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो आपको इसको टेक्स्ट को इसको सिलेक्ट करके हिंदी, यहाँ से जो फॉन्ट है हिंदी वाला, इंग्लिश में अगर हिंदी में है तो सिलेक्ट करके आप इंग्लिश फॉन्ट चूज करिएगा तो इंग्लिश में हो जाएगा। ये हो गया, ये दिनांक लिख दिया। उसके बाद दोबारा हमको फिर वापस लीप ऑफिस में जाते हैं हम लोग। उसके बाद दोबारा जो ये है कार्यक्रम है उसको भी सिलेक्ट करते हैं। ये लीप ऑफिस से सिलेक्ट किया, ये भी बोल्ड किया, इसको हटा देते हैं। राइट क्लिक करके इसको कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया। उसके बाद इसे मिनिमाइज़ करते हैं, उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करते हैं, कहीं भी आप एडिट में जाके पेस्ट कर दीजिएगा, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ से मूव करके इसको इसका टेक्स्ट ब्लॉक थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये वाला, क्योंकि ये यहाँ पर डेट दिया हुआ था, इसको आप सिलेक्ट करके टेक्स्ट टूल से इसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसे यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड देखिए बोल्ड हो गया। इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, ये बोल्ड हो गया। ये मैटर यहाँ तक हो गया। अब बाकी का मैटर हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या मैटर है। ये देखिए दिनांक 1/1/2020 ब्रह्म भोज एवं सामाजिक भोज, समय दोपहर 12:30 बजे से, यहाँ से ये वाला मैटर है। अब ये वाला मैटर कैसे लाते हैं, देखिए वो सिंपल है, उसको भी ले आने के लिए सेम टेक्निक मैं दिखाता हूँ, उसी तरह आपको लेकर आना है। एक बार में भी आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम होता है, तो बेस्ट यही है आप पूरा का पूरा यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर दिया मैंने, उसके बाद एडिट में जाते हैं, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट सिंपली पेस्ट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आ गया, ये आ गया देख सकते हैं। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, ये जो फॉन्ट है देखिए यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा, ध्यान से देखिए 12:30 बजे, या देखिए फजे हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अगेन लीप ऑफिस में जाते हैं हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लिया। अब कॉपी कर लिया मैंने इसको पूरा काम, पूरा मैटर करने के बाद आपको क्या करना है, एडिट में यहाँ पे जाना है। उसके बाद उससे पहले आपको टेक्स्ट ब्लॉक क्लिक कर लीजिए, कहीं भी इस तरह का कहीं भी एक टेक्स्ट ब्लॉक आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे टाइप में जाइए, अलाइनमेंट में इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया मैंने। उसके बाद एडिट में जाके आपको पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट स्पेशल कर दिया, टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। अब फेम सेम टू सेम वैसे लिखा हुआ आ गया, इसको सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे जो आपका कंट्रोल पैड का बॉक्स है, यहाँ पे DV जो फॉन्ट यूज़ किया गया है लीप ऑफिस में, वो वाला चूज़ करना है। यहाँ पे मैं DVTT सुरेख चूज़ कर ले रहा हूँ। ये देखिए, देखिए सही हो गया मैटर, देख सकते हैं पूरा का पूरा मैटर सही हो गया। इसको उठा के हम लोग, ये देखिए
देखिए बजे, देखिए 12:30। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ये वाला फॉन्ट मेरा देखिए हिंदी में हो गया, देखिए ध्यान से ये 12:30 हो गया, लेकिन हमें इंग्लिश में चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और ये जो सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, उसके बाद इस कंट्रोल पैड का ये जो फॉन्ट वाला बॉक्स है एरियल लिख दीजिए, ARIAL एरियल, इंटर दबा देते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया, देखिए डेट मेरा ये देखिए ये वाला हो गया, लेकिन साइज बहुत बड़ा है, 12 के बजाय इसको हम लोग 9 कर देते हैं, 9 देखिए ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए 12:30 जो दिया है इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं, 12:30 बजे लिखा है इसको भी सिलेक्ट करके हमें यहाँ से फॉन्ट एरियल इंग्लिश फॉन्ट कर देना है, ARIAL एरियल, इंटर दबा दिया। देखिए 12:30 यहाँ पे हो गया, चेंज हो गया। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम नहीं होते, एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जिससे कि अच्छी तरह से आपका अगर लीप ऑफिस है तो प्रॉब्लम नहीं हो फ्यूचर में, अगर आप डिज़ाइन वगैरह कुछ कर रहे हैं बना रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए यहाँ तक हो गया, दिनांक 1/1/2020 ब्रह्म भोज एवं सामाजिक भोज, समय 2:30 बजे हो गया मैटर। फिर दोबारा आप क्या लिखना है वो भी देख लेते हैं एक बार और, यहाँ तक हो गया। अब स्थान दिया हुआ देख लिए, हरिपुर कोलेरी पश्चिम बर्धमान दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक ये बृहस्पतिवार, पीपल जल, यहाँ तक लिख के दिखाता हूँ मैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगेन लिप ऑफिस में जाते हैं हम लोग, अब ये देख सकते हैं स्थान दिया हुआ, दिनांक यहाँ पे बृहस्पतिवार, पीपल जल, ये पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप ऐसे, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ से राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर देते हैं, कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं वापस, 8 में जाते हैं, अब नॉर्मल पेस्ट करके देखते हैं मैटर। देखिए इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम हो गया, देखिए यहाँ पे ये देखिए सेम प्रॉब्लम हो गया, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, बृहस्पतिवार आया नहीं। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, एक टेक्स्ट ब्लॉक इस तरह बना लिया हम लोगों ने। उसके बाद टाइप में जाते हैं, अलाइनमेंट में जाते हैं, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर देते हैं, आ गया। 8 में जाते हैं, 8 में जाके इसको पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया यहाँ से, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए आ गया। अब इसको हम लोग पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे, और जो फॉन्ट लीप ऑफिस में यूज़ किया है सेम टू सेम यहाँ से हमें वो फॉन्ट में आना है, तो DV लिख दिया, आ गया DVTT आकाश, यहाँ से हमें DVTT सुरेख चूज़ करना है, ये DVTT सुरेख चूज़ के। देखिए यहाँ पे देखिए स्थान हरिपुर को ले पश्चिम बर्धवा, दिनांक देखिए बृहस्पतिवार, पीपल जल दिया हुआ है। अब इसको सेंटर करना है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट में आप टाइप में जाइए, अलाइनमेंट में जाइए और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, देखिए बीचों बीच इस तरह का अलाइनमेंट सेट हो जाएगा, ये देखिए हो गया। इसको उठा के यहाँ पे आपको रख देना है, हो गया। अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट मैटर है नीचे वाला, तो इसको टेक्स्ट टूल पे सिलेक्ट कीजिए और ये पूरा का पूरा इस टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, इसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए डेट फिर से हिंदी में हो गया, तो इसको फिर से सिलेक्ट करना है हमें और यहाँ से हमें एरियल फॉन्ट चूज़ कर लेना है, ARIAL एरियल चूज़ किया, इंटर दबाते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में चेंज हो गया, इसका साइज़ थोड़ा बहुत बड़ा है, इसको हम लोग कम कर देते हैं, यहाँ से 9 कर दिया। देखिए यहाँ तक का तो हो गया पूरा का पूरा मैटर। अब नीचे वाला मोबाइल नंबर प्लस भाग्यहीन जो लिखा हुआ वो लिखना है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, लेफ्ट बाएं तरफ हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मोबाइल नंबर आपको लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे मोबाइल नंबर दे देंगे, यहाँ पे कहीं भी ऐसे सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे जैसे बाहर भी आप लिख सकते हैं, बाहर में भी ऐसे एरिया टेक्स्ट ब्लॉक बना लीजिए। अब यहाँ पर हम MOB लिख दिया, कॉलन हाइफन दिया, जो नंबर है नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद इसको आप चाहे तो साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर ले, 12 ठीक है 12, फिर भी इसको थोड़ा 11 कर देते हैं। करने के बाद यहाँ से आप पिक टूल पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ से इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट कर दीजिए। एक बार दोबारा देख लेते और क्या रह गया, हाँ ये मोबाइल नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर भाग्यहीन जो अब नाम है, भाग्यहीन जिसका कोई गुजर जाता है तो भाग्यहीन होता है, उसका भाग्य ही खराब रहता है, तो यहाँ पे देखिए भाग्यहीन नाम दिया है मोहित कुमार, तो ये नाम अब ये राइट हैंड साइड में यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन हम लोग लीप ऑफिस में जाएंगे, लीप ऑफिस में यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं लिखा हुआ नाम और ये भाग्यहीन प्लस मोहित कुमार लिखा हुआ है, तो आप इसी तरह इसको पहले इसको सिलेक्ट कर लें, पहले आप चाहे तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक साथ ही ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। उसके बाद पेज मेकर मेकर में जाते हैं, टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया और एक नॉर्मल सा टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ बनाया, एडिट में जाते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखिए भाग्यहीन यहाँ पर आ गया, उसके बाद पिक टूल से क्लिक करके इसको यहाँ पे हमें एडजस्ट करना होगा, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया ठीक, यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको कार्ड के राइट हैंड साइड में यहाँ पे नीचे आपको इसको ऐड कर देना है। उसके बाद नाम जो है उसको भी सेम टू सेम उसी तरह आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, नाम को राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी किया मैंने लीप ऑफिस से, उसके बाद इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, उसके बाद एडिट में जाके आप इसे पेस्ट कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पर वो टेक्स्ट आ गया।
अब ये टेक्स्ट ब्लॉक इतना बड़ा सा बना हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ से ये देखिए पूरा का पूरा कार्ड यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब इसको राइट क्लिक करके थोड़ा सा फिट इन विंडो यहाँ पे एक्चुअल साइज कर देते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा मैटर, सेम टू सेम मैटर यहाँ पे मैंने बना के आपको दिखा दिया। अब एक बार पूरा का पूरा मैटर अच्छी तरह से हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे कि कोई गलती अगर हो तो उसको भी सुधार सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से 200% कर लेते हैं, उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक करते हैं। अब ये पूरा का पूरा कार्ड हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया है ओम शांति गंगा लाभ लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे ये देखिए इस बॉक्स के साथ यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा यहाँ पे आ गया है। तो इसको पिक टूल पे क्लिक करके हल्का सा इसको एरो की से थोड़ा सा मूव कर देंगे, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। महाशय हम अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि गत दिनांक 21/12/19 शनिवार सुबह 8:30 में हमारी, उसके बाद हैंड टूल से थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं, हमारी उसके बाद माता जी स्वर्गीय ममता देवी राम नाम लेते हुए स्वर्गवास हो गई। उसके बाद अतः उनके मृत आत्मा की शांति सदगति हेतु निम्नलिखित समय में आप सपरिवार पधार कर शोकाकुल परिवार को सांत्वना देकर हमें कृतार्थ करें। और यहाँ पे दिया हुआ कोई कोई यहाँ पे श्राद्ध कार्यक्रम लिखता है, कोई कोई श्राद्ध आदि कार्यक्रम है। लिखा हुआ दिनांक 30/12/19 सोमवार दशकर्म, उसके बाद दिनांक 31/12/19 मंगलवार एकादशा, लिखा हुआ दिनांक 1/1/2020 ब्रह्म भोज एवं सामाजिक भोज, समय दोपहर 12:30 बजे से, स्थान जिस जगह जो एड्रेस है वो लिखा हुआ हरिपुर कोलेरी पश्चिम बर्धवान। उसके बाद दिनांक 2/1/2020 बृहस्पतिवार पीपल जल, मोबाइल नंबर, उसके बाद जो जिस व्यक्ति की माता जी गुजर गई हैं उनका नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह का पूरा बन जाने के बाद अगेन इसको राइट क्लिक करके हम लोग फिट इन विंडो करेंगे। करने के बाद आपको जो काम करना है, इस कार्ड को थोड़ा सा हम लोग साइड कर देते हैं। ओ सेट, ये वाला मूव कर गया कार्ड, कोई बात नहीं है। उसके बाद ये वाला जो कार्ड है इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कार्ड बन के तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो लॉक, ये जो बॉक्स था जो साइड लिया था, इसको अनलॉक करेंगे। एलिमेंट में जाएंगे, इसे हम लोग अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक हो गया, उसके बाद अगेन पिक टूल से क्लिक करके पूरा का पूरा इसको कार्ड को हम लोग इस तरह सिलेक्ट करेंगे। देखिए पूरा का पूरा कार्ड सिलेक्ट हो गया और इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा सिलेक्ट कर दिया, पूरा कार्ड सिलेक्ट हो गया। एलिमेंट में जाएंगे, इसे हम लोग ग्रुप कर देंगे। ये ग्रुप हो गया, अब इसे आप जहाँ मन तहाँ इसे मूव कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा एक्चुअल साइज करके देख लेते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा कार्ड हमारा बन गया, गंगा लाभ कार्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।